अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है सारे यार ठीक होंगे। तो सुबह सुबह का टाइम है, आज आप लोगों से बात करने का दिल कर रहा था, तो मैंने कहा चलते चलते आपसे बात भी हो जाए। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जिन्होंने नहीं सुना उन लोगों को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग है क्या। मार्केटिंग का मतलब यह है कि एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, किसी भी चीज को नोन करवाना। अगर वो अननोन चीज है ना, तो उसको नोन करवाना मार्केट में किसी भी तरीके से, वट एवर मीन्स, लीगल मीन्स पॉसिबल। तो इसको कहते हैं मार्केटिंग ओवरऑल। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है? डिजिटल मार्केटिंग ये होती है, पहले एनालॉग मार्केटिंग होती थी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, क्या टीवी के ऊपर कमर्शियल होती थी, या बिल बोर्ड के ऊपर साइन वगैरह होते थे, या जो है ना लीफलेटिंग होती थी, इन पर्सन मार्केटिंग होती थी, जाके कार्ड पर दिए जाते थे और सड़कों पे चौकों पे खड़े होके लोग जो है ना इन्फॉर्मेशन दिया करते थे, पोस्टर्स लगा के, ये सारी चीजें। तो वो एक तरीका होता था। अब आ गई डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या है? डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली आप भी देखें, ये डिवाइस यूज कर रहे हैं, मोबाइल फोन है या लैपटॉप है यूज कर रहे हैं, तो जो भी डिवाइस डिजिटली वर्क करती है ना, तो उसके ऊपर जो आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं या उसके ऊपर जो मार्केटिंग करते हैं उसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। सिंपल है बिल्कुल, कोई जो है ना एक रॉकेट साइंस नहीं है। तो डिजिटल मार्केटिंग कौन कौन से चैनल पे की जा सकती है, कहाँ कहाँ पे की जा सकती है, कैसे की जा सकती है, और डिजिटल मार्केटिंग सीखना कितना मुश्किल है, कितना आसान है, और डिजिटल मार्केटिंग के फायदे क्या हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग सीख जाते हैं तो आपको क्या फायदा होगा, डिजिटल मार्केटिंग से कमाई कैसे करेंगे, तो ये सारी चीजें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आपने इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई आपको सवाल हो, कोई कंफ्यूजन हो, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताना है, और हम आपको गारंटी देते हैं हम आपके हर सवाल का जवाब जरूर देंगे। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग सबसे पहले शुरू करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग जो है ना सीखना कितना मुश्किल है, कितना आसान है, कैसे हम इसको सीख सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग सीखना इतना आसान है ना, समझ लें कि जैसे आपको फेसबुक सीखना आसान है। अगर आप थोड़ा सा भी मतलब माइंड अपना इस्तेमाल करना जानते हैं या चाहते हैं, तो आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअल में समझना और सीखना सिर्फ 2 महीने के लिए, 2 महीना ही काफी है आपके लिए। अब 2 महीने में, और कुछ लोग तो ऐसे हैं 1 वीक में, 2 वीक में सीख जाते हैं। देखो, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग को एक्चुअल में जो थ्योरी है ना, उसको सीखने के बाद, आपको जो है ना उसको समझने के बाद ये काम कैसे करती है, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल की जरूरत है। डिजिटल मार्केटिंग जो है ये थ्योरी के बजाय प्रैक्टिकल से ज्यादा समझ आती है, इसको करने से ये सही आती है आपको। जितना ज्यादा आप एक्चुअल अकाउंट्स को, ऑनलाइन को आप इंटरेक्ट करोगे, जितना इंटरनेट के अंदर ज्यादा से ज्यादा घुसोगे, तो उतना ज्यादा आपके अंदर एक्सपीरियंस आएगा और उतना ज्यादा आपको समझ आएगी इसके बारे में। देखो, जो मैं समझता हूँ कि अगर आपने ना डिजिटल मार्केटिंग में ना एक्सेल करना है, बड़े लेवल पे जाना है, तो एटलीस्ट 6 मंथ आपने क्या करना है, डिजिटल मार्केटिंग को देने हैं प्रॉपर। 6 मंथ आपने प्रॉपर देने हैं। ऐसा नहीं करना कि जो है ना बस 15 दिन 20 दिन लगाए और उसके बाद जी मैंने कर लिया और मुझे तो कोई मजा नहीं आया वगैरह वगैरह वगैरह। जब तक आप उसके अंदर घुसते ही नहीं हो, एक चीज के अंदर, एक चीज के मास्टर नहीं बनते हो, तब तक आपको उसका बेनिफिट भी नहीं होता। तो इसीलिए मैं आपको ये कहता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग, हाँ, 1-2 हफ्ते में आपको उसकी बुनियाद, उसकी जो बेसिक समझ आ जाएगी, ठीक है, कि है क्या एक्चुअल बला क्या है। उसके बाद आपका जो असल टाइम शुरू होगा, वो टाइम ये शुरू होगा कि आप लोगों ने उसके अंदर घुसना है। अब देखो, डिजिटल मार्केटिंग में कौन कौन से जो है ना मीन्स होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं, अब इस बारे में आपको बताते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में कौन कौन से जराए हैं जिसके जरिए मार्केटिंग की जा सकती है। हमारे पास जो है ना बहुत ज्यादा टूल्स अवेलेबल है ऑनलाइन, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमने अभी फिलहाल इस वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए हमने कुछ के ऊपर फोकस करना है। तो वो देखो, हमारे पास गूगल है, गूगल के ऊपर हम एड्स लगाते हैं, हमारे पास फेसबुक है, हमारे पास इंस्टाग्राम है, हमारे पास टिकटॉक है, हमारे पास पिंट्रस्ट है। ये कुछ ऐसे चैनल्स हैं जिनके ऊपर जो है ना आप मार्केटिंग कर सकते हो। और ये चैनल क्यों हम डिसाइड करते हैं, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, गूगल, ये चैनल के ऊपर हम मार्केटिंग करना क्यों पसंद करते हैं या इनको क्यों प्रेफर करते हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इनके पास डेटा है।
अच्छा मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरी वीडियो वो लोग पूरी देखेंगे जो लोग वाकई कुछ सीखना चाहते हैं, जो लोग है ना फ्लैशी, जिनके अंदर वो है फ्लैशी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम के बस ये क्या है वो क्या है बस मतलब विंडो शॉपिंग करते रहते हैं, वो शायद मेरी वीडियो को एंड तक ना देख पाए। डिस्क्लेमर है और सॉरी टू से, तो डिस्क्लेमर है उन लोगों के लिए। अभी हम जहाँ पे आते हम इनको चूज क्यों करते हैं, वापस आते हैं अपने उसके ऊपर कि हम यूट्यूब इंस्टाग्राम टिकटॉक इनको क्यों चूज करते हैं। इनके पास डेटा है, ह्यूमंस डेटा, एंड जो आपका एंड गोल होता है ना वो होता है कि जो है ना आपने प्रोडक्ट सेल करनी है मार्केटिंग के जरिए, वो प्रोडक्ट हो सकती है सर्विस हो सकती है या कुछ भी, आपने सेल करना होता है, कंज्यूमर से काम करवाना होता है, आपने कुछ बेचना होता है मार्केटिंग में। अब मार्केटिंग वाला बंदा क्या करता है, जब मशहूरी कर रहे होते हैं ना तो आप चाहते हैं कि हमारी मशहूरी ऐसे बंदे को हो जिसको इसकी जरूरत है, और वो डेटा आपको कहाँ से मिलता है, वो डेटा और उनको दिखाने वाली जो आपकी एड है ना वो एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको मिल जाती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं फेसबुक, फेसबुक के ऊपर क्या होता है कि आपको डेटा मिल जाता है कि जो है ना कौन से लोग इसको जो है ना किस टाइम लॉग इन करते हैं, कौन कौन सी वीडियोस देखना पसंद करते हैं, कैसी पोस्ट के ऊपर वो जो है ना लाइक प्रेस करते हैं, ये सारी डिटेल आपको मिल जाती है। उन्होंने जो है ना उनके बच्चे हैं या नहीं है, अगर आप बेबी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, वो उनके बच्चे स्कूल जाते हैं नहीं है उनके, अगर वो बंदे जो है ना फॉर एग्जांपल आप बेचना चाहते हो मैट्रेस बेचना चाहते हो, आप जो है ना क्लोथिंग बेचना चाहते हो, क्या फैशन और ट्रेंडिंग जो है सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं नहीं करते, ये सारा डेटा आपको वहाँ पे मिल जाता है। किस एरिया में रहते हैं, ठीक है, अगर आपने लोकल मार्केटिंग करनी है, लोकल कोई बिजनेस है तो आपको एरिया वाइज मिल जाता है, उनकी इनकम कितनी है, वो बाय ऑनलाइन करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, ये उनका जो है वो है सारा डेटा आपको मिल जाता है। अच्छा डेटा मिल गया, अब डेटा तो आपको मिल रहा है लेकिन अब उस डेटा को आपने यूज कैसे करना है, आपके पास अपना प्लेटफॉर्म होना चाहिए, लोगों की इन्फॉर्मेशन मिल गई फॉर एग्जाम्पल ईमेल फोन नंबर वगैरह वगैरह, अब आप एड कैसे प्लेस करेंगे। और इनकी मजे की बात ये होती है कि उन्होंने अपना एक पोर्टल दिया है, फेसबुक ने टिकटॉक ने यूट्यूब ने हर किसी ने एक पोर्टल दिया है, उसके ऊपर आप जाके अपनी एड डिजाइन कर सकते हैं, उसके बाद आपने वो लोग सिलेक्ट करने हैं जिन जिन लोगों को आप अपनी एड दिखाना चाहते हैं। जब एड आप उनको दिखाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके जो चांसेस होते हैं ना सेल के वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा कंपनीज की 80-90% सेल जो होती है ना वो ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग से आती है, ये डेटा पड़ा है हर चीज का। तो उस डिजिटल मार्केटिंग के जरिए समझ लो कि वो डिजिटल जो मार्केटिंग है वो आपके बिजनेस का, जिस बिजनेस के लिए आप काम कर रहे हैं या आपका अपना बिजनेस है, तो वो ब्लड एंड फ्यूल है, हर चीज है। अगर आपकी मार्केटिंग स्ट्रांग नहीं होगी तो आपका कभी भी जो है ना बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता। वो पुराने जमाने का वाला जो है ना वो एक मुहावरा काम अब नहीं करता कि आपके पास सोना होना चाहिए लोग ढूंढ लेंगे आपको जो है ना उसके लिए, लोग कस्टमर आपको ढूंढ लेंगे, आपकी सर्विस सोना होना चाहिए। आज के टाइम में क्या है, जो दिखता है वो बिकता है, लोग जो है ना स्टूपिड चीजें सेल कर जाते हैं और सक्सेसफुल बिजनेस बना जाते हैं अगर उनको उनकी मार्केटिंग स्ट्रांग होती है, अगर वो कंज्यूमर बिहेवियर को समझते हैं। तो इसमें क्या होना है, आपने ये एक टूल्स इस्तेमाल करने हैं और उससे जो है आपने मार्केटिंग करनी प्रोडक्ट्स की। अच्छा अब अगला सवाल आता है, अगला सवाल ये आता है कि मार्केटिंग के लिए आपको क्लाइंट कैसे मिलेंगे, इसकी जॉब क्या होगी, इसका कोई फायदा है, इसमें कोई नुकसान है। तो मैं आपको बताता हूँ, एक प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग वाला आदमी जिसको प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग आती है वो ऐसे जरूरी है ना किसी को किसी बिजनेस के लिए जैसे उसकी प्रोडक्ट जरूरी है। मैं आपको पहले बताया है कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग वाला बंदा प्रॉपर स्ट्रांग नहीं होगा तो आप कोई भी बिजनेस आपका ग्रो नहीं कर सकता, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि दिखेगा तो बिकेगा ना। तो इसलिए डिजिटल मार्केटिंग, आप डिजिटल मार्केटिंग और ऐसी फील्ड है रिमोटली काम कर सकते हो, आप पाकिस्तान में बैठे हो, आप यूएसए में यूके में किसी भी कंट्री से किसी भी कंट्री में आप जॉब कर सकते हो। और आपको जॉब कैसे मिलेगी, ये वर्थ करता है या नहीं करता, आप एट सेम टाइम के ऊपर 10 से 12 जॉब कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग में और लाखों लाखों कमा सकते हैं, वो कैसे, अगर आपको प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग का पता है ना। मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ कि एक जो है
जो है सिक्योरिटी गार्डिंग सर्विस की कंपनी है, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड करती है, और वो फॉर एग्जांपल यूके में है, और आप पाकिस्तान में बैठे हो, आप उस कंपनी को अप्रोच करते हो, ईमेल करते हो कि हम आपको मार्केटिंग आपकी करेंगे। शुरू में आप फ्रीलांस साइट पे जाते हो, फ्रीलांस साइट पे आप कहते हो कि मैं जो है ना आपको लीड जनरेट करके दूंगा, जितनी कॉल्स आपको आएंगी आप उस हिसाब से मुझे पैसे दे देना, ठीक है। मैं आपको ऐसी चीज बता रहा हूं जो आपको हर जगह नहीं मिलेगी, शुरू से पकड़ूंगा आपको एंड तक लेके जाऊंगा। आप उसको कहते हो हाँ, आपको जितनी लीड्स आएंगी ना, लोग आपको कॉल करेंगे बैक कि हमें आपकी सर्विस चाहिए या डिस्कस करना चाहते हैं, उस बेसिस के ऊपर आप मुझे पे कर देना। तो वो 100% हंसी खुशी कहेंगे कि हमारा तो कोई खर्चा नहीं है ना जब तक हमारे पास कस्टमर इंक्वायरी के लिए नहीं आता। तो आपने क्या करना है, उनसे उनका जो है ना सर्विस पोर्टफोलियो लेना। ये शुरुआत बता रहा हूँ जब आप बिल्कुल जीरो पे हैं, आगे तो वर्ड ऑफ माउथ फैल जाएगा ना, वर्ड ऑफ माउथ होगा और आपको ऑटोमेटिकली जो है ना परमानेंट क्लाइंट मिल जाएंगे, जो आपको जो आपके साथ परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, जो आपको एज ए जॉब देंगे, ठीक है, जिनके आप परमानेंट एम्प्लॉई हो जाओगे, वो तो एक सेकंड स्टेज है। शुरू में जब जीरो है तो आपने कॉल की, उनसे पोर्टफोलियो ले लिया कि उन्होंने आज तक कौन कौन सी सर्विसेज की हैं, आगे सर्विसेज प्रोवाइड कौन कौन सी करते हैं, ये सारी डिटेल आपके पास आ गई। अब आपने क्या किया, आपने गेस्ट पोस्टिंग करनी शुरू कर दी, ब्लॉगिंग करनी शुरू कर दी, लेकिन नीचे आपने क्या किया, एक प्रोफेशनल ईमेल क्रिएट किया, ईमेल अपना डाल दिया। उनको भी कह सकते हैं कंपनी को कि आपको वो एक प्रोफेशनल ईमेल दे दें जिसको आप एक्सेस कर सको, तो वो ईमेल आपने नीचे डाल देना। जितनी भी क्वेरीज आएंगी ना, आपने कहना है कि हेलो, या ईमेल के ऊपर कि मैं आपको जो है ना वो करता हूँ, अपने मैनेजर से कनेक्ट करवाता हूँ। तो जैसे ही आपने मैनेजर का फोन नंबर दिया, कॉल किया, उसको कॉल गई, आपने वेरीफाई किया कि आपने कॉल हो गई है, तो आपके पैसे खरे। और ये लोग, ये कंपनीज, यूके वाले जो कंपनीज होती हैं, ये बेईमान नहीं होते, ये भाग नहीं जाते, बहुत कम लोग होते हैं हर जगह पे बेईमान लोग भी होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। तो वो आपको जो कमिटमेंट करते हैं, जो प्रॉमिस करते हैं, उस प्रॉमिस के ऊपर पूरे रहते हैं। समझ आ गई, ठीक है। तो आपने उसके बाद क्या करना है, जो है ना इस तरह से काम शुरू कर देना है। सेकेंडली, आपके पास फाइवर अवेलेबल है, आप डिजिटल मार्केटिंग की गिग डालो तो देखना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। ओनली फेसबुक एड्स, अगर आपको फेसबुक की एड्स के भी मास्टर होना है, उसके ऊपर रिजल्ट है ना, कंपनीज जो है ना 100,000 pounds लगाती है, क्योंकि फेसबुक एड्स जो है ना वो काम करती है, फेसबुक एड जो है ना रिजल्ट जनरेट करती है, तो वो जो है ना पे करती है। और अगर आप फेसबुक एड मैनेजर हो ना प्रॉपर किस्म के, तो ऑब्वियसली 100% आपको बहुत ज्यादा अच्छी इनकम होने वाली है। सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग आप सीख लो, ऑटोमेटिकली अर्निंग के वेज आपको खुद पता चल जाएंगे। अच्छा, आप डिजिटल मार्केटिंग जानते हो ना, एक और ऑप्शन खुल जाता है बीच में, वो होता है एफिलिएट मार्केटिंग का। अगर आपको मार्केटिंग सॉलिड आती है तो आप क्या करते हो, आप लोगों के प्रोडक्ट्स को जो है ना फ्री में मार्केट करते हो, तो आपको कमीशन कमाते हो। क्लिक बैंक पे चले जाओ, क्लिक बैंक के ऊपर आपकी मार्केटिंग स्ट्रांग है ना, तो वहां पे हजारों प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, वो आप जब सेल करोगे आपकी आईडी से सेल होंगी और उसका आपको कमीशन आएगा, लाखों करोड़ों कमा सकते हो अगर आपकी मार्केटिंग स्ट्रांग है। एक बार आपका ये एक्सक्यूज खत्म हो जाए ना कि मार्केटिंग सीखूंगा तो मैं क्या करूंगा, आपको वाकई मार्केटिंग आती है प्रॉपर वे से, ठीक है, जिसको मार्केटिंग कहते हैं, आप प्रोडक्ट को फैलाना जानते हो, आप प्रोडक्ट को नोन करवाना जानते हो, आप समझ लो कि एक दफा कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कंपनी आपके साथ जुड़ जाए, आप उसको कहो कि बस हम आपकी प्रोडक्ट सर्विस को फैला देंगे, आग लगा देंगे, पूरी मार्केट को बता देंगे, और कम से कम बजट में हम आपको फैला देंगे, हम गेस्ट पोस्टिंग करेंगे, हम जो है ना ब्लॉगिंग कर देंगे, हम जो है ना जो सोशल मीडिया उसके ऊपर वायरल कर देंगे। अगर आपको ये सारी चीजें आती है ना, तो लोग आपके पीछे होंगे, आपको जो है ना जॉब की जरूरत ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको प्रॉपर तरीके से आता है। और ऐसा नहीं है कि ये बहुत मुश्किल चीज है, सिर्फ ये है कि इसमें आपने सिर्फ अपना ध्यान और फोकस लगाना है और काम करना है। डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ टाइम और फोकस मांगती है, और आपको एक्टिव होना पड़ता है, आपको सारी चीजें माइंड में रखनी पड़ती है, ऑर्गेनाइज रहना पड़ता है कि वो ये सारी चीजें अप टू डेट हो। सोया पड़े रहने से कुछ नहीं होता, बाकी ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई कोडिंग सीखने वाली बात नहीं है, आपने कोई कोडिंग नहीं सीखनी, कुछ नहीं करना। तो थोड़ा सा आपको सेंस होनी चाहिए ब्रांड की, आपको सेंस होनी चाहिए कि जो है ना रिलेटेड मार्केट्स की, आपको पता होना चाहिए कि जो है ना कहाँ पे जो है ना मार्केटिंग कंपेन इफेक्टिव है, ये सारी चीजें हम मार्केटिंग में सीख जाओगे। तो मेरा आप लोगों को फाइनली ये आपको कंक्लूजन है कि आप मार्केटिंग 100% सीखो,
मार्केटिंग, और मार्केटिंग ऐसी स्किल है ना, ये फ्यूचर में काम आने वाली है, ये कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। अगर आपको मार्केटिंग प्रॉपर तरीके से आती है तो ये फ्यूचर में कभी भी खत्म होने वाली नहीं है, स्पेशली डिजिटल मार्केटिंग, ये तो फ्यूचर है। आपको ये है कि आप मार्केटिंग को बगैर सोचे समझे, अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, आपको समझ आती है चीज़ों को जो है ना, लोगों को जो है ना पब्लिसिटी करने की थोड़ी सी भी आइडिया है, तो मार्केटिंग में आ जाओ। और मार्केटिंग बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत अच्छी इसकी फ्यूचर जो है ना वो है, प्रोस्पेक्टिव्स हैं। सेकेंडली, इसमें जॉब गारंटी, इनकम का कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100% आप पैसा कमाओगे। अगर आप समझते हो कि आपको आपको स्टिल आप अनश्योर हो, तो आप हमारे साथ रब्ता करो, हमारी इंस्टीट्यूट अगर ज्वाइन करते हो ना, और हमसे आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हो, तो हमने आपको गारंटी देनी है, हम आपको गारंटी देते हैं, अगर आप हमसे आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हो तो आपकी जॉब हमारे जिम्मे, काम आपको देना वो हमारे जिम्मे है ना, मजे की बात। तो इंसान का जो माइंड है ना, वो समटाइम ऐसे काम से दूर भागता है जहां पे वो श्योर ना हो, जहां पे उसको कोई श्योरिटी ना मिले। तो हम आपको श्योरिटी देते हैं कि 100% जॉब हम आपको देंगे, काम आपको हम देंगे, आपने सिर्फ ये करना है कि हमारे साथ ज्वाइन करना है और काम सीखना है। हाँ, हमारे साथ ज्वाइन तब करें जब आपको काम सीखने का आपका माइंड हो। अगर आप ये समझते हैं ना कि भाई मैं शॉर्टकट मारूंगा, तो YouTube की वीडियोस भरी पड़ी हैं शॉर्टकट्स के लिए, तो आप शॉर्टकट वहाँ पे ढूंढ सकते हैं। होपफुली मे अल्लाह ब्लेस यू एंड मेक यू सक्सेसफुल। तो इसी बात के साथ, डिजिटल मार्केटिंग 100% और जॉब गारंटी हम देते हैं आपको, तो बाकी क्या रह गया, आपके जो साइड पे रहती है बात, वो ये रहती है कि आपने काम करना है, आपको काम करना आना चाहिए, आपने मेहनत करनी है, दैट्स इट। अगर वो भी आप नहीं कर सकते तो फिर आपकी मर्जी, आप जो करना चाहते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अंटिल द एंड। आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये देखो, डिजिटल मार्केटिंग शायद आपका टॉपिक ना हो, लेकिन पैसा कमाना आपका टॉपिक लाजमी होगा, और हमने आपको सिखाना है कि आपने पैसा किस तरह से कमाना है और कैसे आप जो है ना ग्रो करोगे। इकोनॉमी आपकी सेट है तो बहुत ज्यादा मसाइल आपकी जिंदगी के ठीक हो जाते हैं, तो इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन जो बेल है उसको भी दबा दें, ताकि हमारी जब न्यू वीडियो अपलोड होती है ना, तो आपको सबसे पहले पता लग जाए। बाकी आपने देखनी है नहीं देखनी आपकी मर्जी। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।